हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्फा एडेनियम गार्डन में। और दोस्तों देख रहे हैं कि बारिश के मौसम आ गया है और अभी पौधा बहुत सारा पौधा जो है मेरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है बारिश के पानी पड़ने से लगातार। और कुछ कुछ पौधे में दोस्तों मेरा सराहट आ गया, उसके कारण सड़ना शुरू कर गया ऊपर से दोस्तों, और नीचे से थोड़ा टाइम लगता है, ऊपर से तुरंत सड़ना शुरू हो जाता है अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो। उसके कारण आप दोस्तों देख रहे हैं कि इधर कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं, अपने ग्रिल दीवार के ग्रिल के बेस सटा कर ही ये काम लगाए हुए हैं। सोचे आपसे शेयर करें कि मेरे जितने एडेनियम है इसके नीचे रह सके। ज़्यादा ऊंचाई पर दोस्तों नहीं किए कि आंधी आए तो इसको नुकसान हो, इसलिए नीचे में ही अपना दीवार का जो ग्रिल है उसको किए हैं इस तरह से। तो दोस्तों आप भी, अगर आपके भी एडेनियम इस तरह से हो रहा है और आपके पास भी ज़्यादा एडेनियम है तो इस तरह से सुविधा कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों, बस बचाना है जैसे भी। सोचे ये बात आपसे शेयर करें और इसे पूरा बन जाने के बाद हम आपको फिर इसको दिखाते हैं। तो ये सब देखिए सीड्स है, अगर ये बाहर रह गया पूरा बारिश में तो सब खत्म हो जाएगा जितने हैं दोस्तों। तो इसलिए जरूरी है सारे एडेनियम को बचाना। ये देखिए दोस्तों जो बन के तैयार हो गया, तो कैसा लग रहा दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। और अब मेरे एडेनियम को कुछ नहीं होगा दोस्तों, सारे एडेनियम सेफ है हमारे। ये देखिए दोस्तों सीड्स जो सारे तैयार मैंने किया इस बार काफ़ी हैं, और ये अब सीड्स का कोई परेशानी नहीं होगा। जितने भी बेबी एडेनियम हैं, जितने भी बारिश हो, और ये ज़्यादा धूप से भी जो होते हैं दोस्तों जो झुलस जाते हैं तो उससे भी बचे रहेंगे। ये देखिए इस बार दोस्तों जो मैंने ग्राफ्टिंग किया है ये लोग को, ये फ्लावरिंग पर आ गया है दोस्तों। देखिए इसे भी देखिए सब फ्लावरिंग पर आ गए, सब इस बार का ग्राफ्टिंग है दोस्तों। और मेरा ये मदर प्लांट है इसका, ये कितना अच्छा सुंदर खिलता है रेड एकदम दोस्तों। और दोस्तों उसका मदर प्लांट मेरा इधर है जो भर भर के फ्लावरिंग किए हुए हैं। अभी भी आप जब चारों तरफ देखेंगे तो पूरा फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है, पहले फ्लावर से पूरा भरा हुआ था दोस्तों, अब बाकी झड़ गया है। इसे आप देख सकते कितना खूबसूरत फ्लावर है इसका दोस्तों। और इसे भी देखिए, वहाँ भी देखिए, इस बार मैंने इसका बहुत बड़ा फ्लावरिंग ग्राफ्टिंग किया है इस फ्लावर का, बहुत से एडेनियम में। और ये देखिए दोस्तों इसमें मैंने पूरा के पूरा इसमें ग्राफ्टिंग किया है, और सारे ब्रांच में अलग अलग ग्राफ्टिंग मैंने किया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी अपने एडेनियम को सेव करके रख सकते हैं बारिश के मौसम में। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।